अस्सलाम वालेकुम जी, जट्टी दे ब्लॉग के साथ हाजिर हैं जनाब। उम्मीद कर रही हैं कि तुसी सब ठीक ठाक होवोगे, मैं भी खैरियत नाल हां जनाब। सुबह सुबह 8 बजे दे टाइम जे ते मैं जा रही हूँ स्कूल। मैं मतलब नहीं बना सकी वीडियो सुबह उठ के, क्योंकि सुबह बड़े काम होंगे जे। बच्चों स्कूल भेजा, उन्होंने नाश्ता करवाया, तैयार किया, तो हूँ काफ़ी मतलब कोई एक हफ्ते बाद शायद मैं स्कूल चली जाए, तो पता नहीं मेरी कि खातर तवाजा होनी है अगों जाके। लेकिन मैं क्या हूँ तो जाना बन दिया, तबीयत अजे मेरी थोड़ी मतलब इन्नी सही नहीं। अज फिर डेंटिस्ट को जाना, उन्हें दोबारा बुलाया इस मंडे को। उस तो अलावा की करना है, हाँ जी अज बड़े छोटे छोटे काम करने ने, बाजार भी जाना है, डॉक्टर को भी जाना है, अम्मी वाल भी जाना है, क्योंकि अम्मी वाल वाहवा दिन हो गए नहीं गई। जो भी मैं सियालकोट उन्होंने नाल आई हाँ, दोबारा जा ही नहीं सकी उन्होंने वाल, तो उन्होंने तबीयत भी कल थोड़ी खराब सी। होर की करना, भैन वाल हूँ नहीं जाया करना, हूँ जो बस संडे कभी टाइम मिले तो असी कट्ठे हो जाया करांगे, वरना क्योंकि वह घर दूर काफ़ी अगे, तो मैं स्कूलों ही सीधा उधर चल जानी सा। तो जो जाव करांगे इंशाला तुहानू उधर भी सारी दसा करांगी कि चल रहा है। तो हूँ स्कूल जाके मिलनी हाँ। वीडियो शुरू च भी कहांगी कि चैनल में प्लीज़ सबसक्राइब करो, इन सबसक्राइब करो, इन लाइक करो, इन शेयर करो। दोबारा मिलने इंशाला। ये देखे जनाब, मैं आ चुकी हूँ स्कूल, तो आ वेखो फुल चढ़िया। फुल चढ़िया वेल लो खलोतियाँ, अजे मेरा वेट करनी है। अब अंदर जाऊंगी तो पता चलेगा कि मेरे गाइस बीटीएस को भी फॉलो जरूर करें। अच्छा, उनको लाइक भी करें। बीटीएस तेरे एक ही लाख दिन हैं, बीटीएस को लाइक करें। मेरा नाम नहीं, माय बायस। और जैन को भी फॉलो जरूर करें, लाइक करें। जट्टी का है, हाँ जट्टी। सारा अटेंडेंस ला मेरी। अब मेरी कट ना करना अंदर से। नहीं मैं पूरी वेखी होने होएगी, अपलोड है ना, कट करूँगी। तू मेरी अटेंडेंस ला, मेरी लानी तो अपनी लानी। अच्छा मैम जैन, कल वाली भी ला। ये है ना कल की जनाब, कल वाली ऑफ टाइमिंग की। ये देखो ये देखे, और फुल चढ़ी है, मेरे वेट कर रही है मेरा। देखे समाटो समाटो अस्सलाम वालेकुम दुनिया। जनाब लगी काम ते, आ वेख लो तबाह हो चली दुनिया काम कर करके। ना मूह के रखनी तुहाडी बनांदी, ये देख लो। ये देखे इधर भी इन्ने जोगे असी है नहीं, जिन्ना भार साढ़ देना पाते। आ वेख लो, ये देखे जी इतने दिन बाद आने का नतीजा। वाह, जनाब अभी मैं हुई फारिग, 2 बजन डे जे। सुबह के पेपर चेक कर करके तो हशर तो नशर हो गया, तो हूँ तकरीबन 2:15 बजे मैं घर जावगी। फिर घर जाके तुम दसागी कि पकाना तो पकाना है, तो होर भी कहना सी। हाँ मेरे वीडियो ना सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, तुम दोबारा मिलने इंशाल्लाह घर जाके। ये देखें गाइस, मैं आपको मच्छियाँ और टाफियाँ दिखाती हूँ। ये देखें, नहीं नहीं पता है ना जो मच्छी केड़ी तो टॉफी केड़ी। ये सारी कैंडीज हैं। ओके ओके ओके। आप अपना डेली का व्लॉग क्यों नहीं सुबह से अपलोड करते? सुबह से आ गए क्या ये सब चीजें क्या बताएंगे जी? तो जनाब मैं तो आज दसया सी कि मैं घर आके ना जाना है बाजार भी ते अम्मी वाल भी, लेकिन घर आई ते घर आंदे ना कुछ खास किस्म दे गेस्ट बैठे सी, फिर खाना शाना बनाना सी, फिर मैं नहीं जा सकी। तबीयत ही थोड़ी ना अज खराब जी, पता नहीं पाजारी जी कादी लगी है। सुबह मैं जाते हुए मशीन च कपड़े पा गई सी, सना बेचारे ने सुखड़े पाते, तो मैं क्या चलो हूं ना तय ला के रख दें। लाल ना तुम मुस्तफा की गल दस दी, मुस्तफा साहब के जनाब अज हो गए पेपर खत्म। तो पेपर खत्म हो मुस्तफा की फरमाइश सुनो, कहते अम्मा पेपर जब 3 हो जाते हैं तो फिर सब बच्चे जाते हैं कहीं, तो हमने कहाँ जाना है? मैं क्या पुत्र हूँ इसे काम रहना है, जाना तो आना। बताओ उस वक्त पेपर मेरे बेटे के फिनिश होगा, फिटिंग कर दिता हो ना 10 बजे का टाइम डे होना, तो बच्चे मेरे सो गए ने। 1 मिनट बेटे, बच्चे सो गए मेरे, बाकी ये साहब जी छुट्टियां हो गई ने। क्या सो
सुबह जैकेट पहन के जानी है, आपको छुट्टियाँ होंगी जैकेट कहाँ पहन के जानी है? अच्छा और उनको बताओ ना गाइस को कि कहाँ जाना है, आप लोग को छुट्टियाँ होंगी, पेपर फिनिश हो गए, बताओ जल्दी थोड़ा जल्दी, अभी मुझे कह रहे थे ना कहाँ जाना है आपने? दोस्त के घर? ऊंची बोलो ना, कहाँ कौन से दोस्त के घर? कौन सा लोर नहीं रहता हो, बस बच्चे कितने हो ना ताई तो नहीं रहता हो। अच्छा मैं गल्ला कर रही, नहीं पता किधर कपड़े कितने बच्चे कितने हो ना जनाब, ओ नहीं भूलते जल्दी गल नू, उन्होंने ये होंगे कि हूँ बस असं इतों आ गए तो इतने फिर असं दोबारा हूँ आते रहना है, तो इन्ने असी मतलब फारग हाँ घरों बहरों कि फिरते रहना। पेपर तो इन्हें एन जिम्मे एम बी ए दिते ने, एन फरमाशा कर दिया। अज मैं ना बड़ा प्रोग्राम बनाया कि अब तुम ना अपनी अम्मी के घर में किसी को मिलवाना सी, उत्थे भी एक एडी की पिस्ती है, शायद तुसी मेरी वीडियो वेखी होनी है, तो वह भी बड़ी सोहनिया गल् करती है, तो मैं क्या ना थोड़ी देर तुम अपनी अम्मी नाल भी मिलवावगी, उन्होंने गल् कर मतलब मैं करा तो तुम सुनना, तो लेकिन वह घर आई तो फिर सारा प्रोग्राम जोड़ा है ना चेंज हो गया, क्योंकि सारी गल मेहमान छड़ के ना जाया जाता, मैं क्या चलो कोई गल नहीं फिर इंशाला किसी दिन आवगी, कल का प्रोग्राम बना लेनी, कल जाया गया तो कल नहीं तो मारूंगी मैं आपको बैठो दे। तो हूँ मैं पता है कि मैं जाया करना स्कूल से ध्यान मेरा पिछे रहा करना, यदि वजह की है? यदि वजह है कि ये भाई साहब ने हो गए छुट्टियाँ तो इन्हें घर स्कूल में तो बहना नहीं, दूजे दोनों बच्चों ने जाना स्कूल, तो मेरा बस दिमाग इन्होंने पिछे रहा क्योंकि शरारती बहुत है, कभी किसी तार को फड़ कभी किसी चीज़ को फड़, तो मैं अगे अकील कह रही हाँ मैं क्या तुम भी जरा ड्यूटी जरा सख्त देना है देते। फिर अपनी मतलब सरों ने मैं क्या, मैं क्या ध्यान रखी नहीं करो बेटे गिरोगे, तो ये वेखे बच्चे बस नहीं ना बच्चों को पता चलता किहड़ा काम करना किहड़ी राह सही है किहड़ी नहीं, तो अल्लाह ताला सब दे बच्चों को हिफ्ज़ो अमान च रखे। तो मैं वीडियो बस खत्म करनी क्योंकि रात के 10 बजे जो हूँ बस सौन का टाइम है, अद्धे जीत सौ गए ने, फातिमा जी तो माशाला सो गई ने, मुस्तफा साहब मैं 8 बजे समा देनी हूँ, लेकिन मैं चल मेरे पुत्र छुट्टियां आ वेखो अज ना ये अपने किसी दोस्त ना खेल के आया खेलिया, तो वेखो नाखून नज़र आ रहा है मुझे आगे करो तरह को दिखाएं, ये देखें ये इतना ज़्यादा नाखून इसको ना किसी ने मारा, पर मैं लामा नहीं दिता भला क्यों, क्योंकि मैं पता है मेरा कहना घट है किसी ना, तो एंड बस हम कहूँगी कि चैनल में सबसक्राइब जरूर कर दिया करो, लाइक भी करो शेयर भी करो, सो कुछ कहो। अच्छा बताओ कुछ कहो और ये नहीं बात करते, कोई और बात करो, अल्लाह हाफिज़ बोलो अच्छे तरीके से, चलो ऊंची आवाज में ना अल्लाह हाफिज़। और क्या आप बड़े लाइक तरें तेल तरें और दुआ मिला, मेरा याद रखियो, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।